सड़क पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। रैनिक दत्ता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रैनिक, क्या कुछ जानकारी है? सड़कों पर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता उतरे, फिलहाल कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, क्या अपडेट? आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का ये इंसिडेंट के लिए, ये इंसिडेंट के अगेंस्ट में कोलकाता पुलिस का जो स्टेप था उसी के मद्देनजर रखते हुए आज कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस की तरफ से लाल बाजार अभियान, यानी लाल बाजार यानी कोलकाता पुलिस का जो हेडक्वार्टर, उस जगह में उन लोग घेराव कर मस्जिद करने वाले थे। उसी टाइम में पुलिस की तरफ से उनको रोका गया, रैली करके वो जब लाल बाजार की तरफ जा रहे थे उसी टाइम में रोका गया। पुलिस रोकने के टाइम पर भी पुलिस का जो बैरिकेड तोड़ने का कोशिश कांग्रेस जो कर्मियों हैं उनकी तरफ से किया गया था। उसी टाइम में पुलिस के साथ हाथापाई भी हुआ और बहुत सारे कांग्रेस लीडर, कांग्रेस का जो प्रोटेस्टर थे उनको अरेस्ट किया गया है पुलिस की तरफ से। जैसे कि पुलिस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि लाल बाजार उस एरिया के 163 रैंक कर दिया गया है और इसी वजह से उन लोगों को उधर जाने का परमिशन नहीं था और उसी टाइम में वो लोग जब बैरिकेड तोड़ कर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे उसी टाइम में उनको हिरासत में ले गया। मैं अगर दिखाऊंगा आपको मेरे पीछे, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस पर्सनल इधर मौजूद है, एकदम डोरीना क्रॉसिंग, इस डोरीना क्रॉसिंग से ये रैली था। उस जगह में किस तरीके से पुलिस प्रोटेक्शन अभी दिया गया है, पुलिस का जो फोर्स वो फोर्स को इंक्रीज किया गया है, हायर लेवल ऑफिसर्स भी इधर मौजूद है, पुलिस ऑफिशियल्स, क्योंकि आज लगातार पूरा दिन भर कोलकाता में जो रैलियाँ हो रहे हैं उस रैली को रोकने के लिए ये पुलिस दिया गया है। आप देख ही सकते हैं कि जो प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट जिस तरीके से लगातार हो रहा है कोलकाता में उसी के तहत ये पुलिस पोस्टिंग किया गया है। और दूसरी तरफ एकदम मेरा सामने, मेरा कैमरा पर्सन को बोलूंगा दिखाने के लिए, एकदम मेरा सामने का जो रास्ता उसी रास्ते से और एक प्रोटेस्ट रैली वो आ रहा है। आप तो समझ ही सकते हैं कि कोलकाता में किस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट जारी है। कोलकाता का जो रास्ता, ये कोलकाता का रास्ता में लगातार प्रोटेस्ट में उतरे हैं आम लोग, कोई इंजीनियर्स है, कोई डॉक्टर्स है, सबके तरफ से, लॉयर्स है, पॉलिटिकल पार्टीज है, सबके तरफ से ये रैलियाँ किया जा रहा है और जो प्रोटेस्ट उनकी तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है। और एक ही मांग बार बार से किया जा रहा है कि जिस तरीके का घटना आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में घटा है उसी के तहत ये जो विक्टिम है, विक्टिम को सही तरीके से जस्टिस दिलाना इन लोगों का मांग है और इसी वजह से जो प्रोटेस्ट वो प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं एक बार बोलूँगा मेरा कैमरा पर्सन को दिखाने के लिए कि किस तरीके से जो कोलकाता का जो मेन रोड, उस रोड को पुलिस के जो ऑफिसर्स उनकी तरफ से घेरा गया है। दूसरी तरफ जो प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट लगातार जारी है कोलकाता का रास्ता में और जो प्रोटेस्टर हर एक जगह में, जैसे कि कुछ दिन पहले भी हम लोग दिखा रहे थे कि एकदम शास्त्र भवन के सामने जो डॉक्टर्स है वो डॉक्टर्स की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा था। और अभी आप देख सकते हैं कि जो दूसरे आम लोग हैं, आम लोगों की तरफ से भी ये जो प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट लगातार जारी है। यानी पूरा कोलकाता में ये आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का जो इंसिडेंट, इसको लेकर जिस तरीके से प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, पूरा देश भर में जिस तरीके का प्रदर्शन दिखाई दे रहा है वैसा ही प्रदर्शन कोलकाता में भी दिखाई दे रहा है। और एक ही सबका मन में एक ही आवाज़ है कि जस्टिस फॉर आरजी कौर, आरजी कौर का ये इंसिडेंट में विक्टिम को जस्टिस दिलाना सबका एक ही डिमांड है। और ये डिमांड को लेकर ही पूरा देश भर में प्रदर्शन चल रहा है और कोलकाता में भी हर एक जगह में प्रदर्शन चल रहा है। और आज रास्ते में पॉलिटिकल पार्टीज है, एक तरफ सेलिब्रिटीज है, एक तरफ डॉक्टर्स है और एक तरफ आम जो लोग हैं जो हर दिन ऑफिस में काम करते हैं, वो लोग आज रास्ते में आके प्रोटेस्ट दिखा रहा है। और जस्टिस फॉर आरजी कौर, ये जो नारा इनके तरफ से दिया जा रहा है आप देख ही सकते हैं, तस्वीर में ही साफ है कि किस तरीके से ये प्रोटेस्ट जारी है। और ये प्रोटेस्ट का मूवमेंट जो है, ये मूवमेंट से आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से जस्टिस फॉर आरजी कौर, ये स्लोगन ही उठ रहा है। क्या 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 डिमांड है आप लोगों का? आप लोगों का डिमांड क्या? हमारा डिमांड एक ही है, हम लोग का यहाँ पे जो रेप केस हुआ है इसलिए हम लोग जो स्टूडेंट्स इंजीनियर्स है वो लोग आज रास्ते पे इसलिए है कि उस लोग इसका न्याय हम लोगों को चाहिए और इसका जो दोषी है उसका
होना चाहिए, इसलिए हम लोग इंजीनियर्स लोग डॉक्टर्स के साथ स्टैंड होकर इस ऑर्गेनाइज कर रहा है और ये प्रोटेस्ट कर रहा है। तो क्या क्या डिमांड है आप लोगों का, क्या क्या डिमांड है, क्या क्या डिमांड है आप लोगों का? डिमांड हमारा यही है कि हमारे गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कैसे हमको प्राइवेसी देना चाहिए। अगर कोई औरत अपने वॉकिंग प्लेस पे सेफ नहीं है तो कैसे वो कहाँ पे सेफ है? हम लोग कहाँ पे भी सेफ नहीं है, घर में सेफ नहीं है। अगर कोई यही कहेगा कि ड्रेसिंग सेंस ठीक नहीं, बट एक बच्चा के भी जो हो रहा है एक औरत के साथ भी वही हो रहा है, तो कहाँ पे? गवर्नमेंट को एक ऐसा लॉ आना चाहिए जिससे रेपिस्ट को दो बार सोचना पड़े कि किसी को रेप करने की पहले। तो हमारा आज का जो we want justice for Momita Devnath also and everyone, all of the rapists. Thank you. और क्या क्या डिमांड है आप लोगों का, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर क्या डिमांड है? हम लोगों को बस जस्टिस चाहिए, हम लोगों को जस्टिस चाहिए। जो इनके साथ हुआ है वो और किसी औरत के साथ नहीं होना चाहिए। मिनिस्टर को समझना पड़ेगा, ये ना रेप बंद करना पड़ेगा एकदम। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोलकाता का रास्ते में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो इंजीनियर्स है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, उनके तरफ से ये प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है। आरजी कॉर मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर्स की तरफ से एक तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया दे रहा है, और उसके साथ साथ ही जो कॉलेज स्टूडेंट्स है, इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट, उनके तरफ से भी ये प्रदर्शन लगातार जारी है। आप लोग कहाँ से है? हम सब इंजीनियरिंग फेडरेशन के इधर स्टूडेंट्स और कोई प्रोफेशनल और जो लोग रिटायर हो चुके हैं अभी। आप लोगों का डिमांड क्या क्या है? हम लोग का बस एक ही डिमांड है, ये रेप कल्चर बंद होना चाहिए बस। और तिलोत्तमा के साथ जो हादसा हुआ है उनके दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, और ये पूरी रेप कल्चर जो है औरत पे जो ऐसे एक के बाद एक हार माया जा रहा है, ये पूरा कल्चर बंद होना चाहिए। एकदम ही देख सकते हैं आप कि किस तरीके से कोलकाता का एस्प्लेनेड का जो रास्ता, वो रास्ते में वो लोग आ चुके हैं और रास्ते में उन लोगों की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, और कोलकाता में किस तरीके से प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। इससे मालूम पड़ता है कि आरजी कॉर मेडिकल कॉलेज का ये इंसिडेंट के बाद जिस तरीके से पूरा देश भर में प्रदर्शन चल रहा है, कोलकाता से जो प्रदर्शन चालू हुआ था और कोलकाता का ये प्रदर्शन अभी भी जारी है। और आप देख ही सकते हैं एक तरफ सिर्फ ये डॉक्टर्स का रैली नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट नहीं है, इसमें आम लोग जो है, आम ऑफिस करने वाले लोग जो है वो भी शामिल हो रहा है, और दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पार्टीज उनके तरफ से भी लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मगर आज ये भीड़ देख के आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से इधर लोग शामिल हुए हैं, जो स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट रास्ते में आज आए हैं, स्टूडेंट की तरफ से ये प्रदर्शन लगातार चल रहा है। और सिर्फ स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट्स के साथ जो प्रोफेशनल्स है, जो इंजीनियर्स है, उनके तरफ से भी ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है। और आप देख ही सकते हैं कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी इधर शामिल हुए हैं। बात करने का कोशिश करूंगा। सर, आप लोग रास्ते में आज आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या क्या डिमांड है आप लोगों का? डिमांड जस्टिस के लिए है, और ये गवर्नमेंट जैसे काम कर रहा है उसके अगेंस्ट की भी डिमांड है। तो सर, आज ये रास्ते में प्रोटेस्ट करने का मेन मकसद क्या है? बस जस्टिस, पीपल वांट जस्टिस फॉर दिस हेल्पलेस गर्ल and the whole society is actually how can I explain it, there is no explanation, totally depressed and distressed people. So justice is necessary, justice for not only the girl, justice for all people, because all people are suffering from the mismanagement of the government. That is the main issue. The girl is actually not the victim of only rape and murder, she is actually victim of whole the harassment by the whole system. Later on other things came, so some big things should come ahead. सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये पूरा घटने के पीछे बहुत सारे लोग शामिल हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकता है, और इसी वजह से जस्टिस को मांग करते हुए आप देख ही सकते हैं एक तरफ हर लोग एक साथ में आकर आप देख सकते हैं बी कॉलेज की तरफ से प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है, और उसके साथ साथ ही लगातार जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट कोलकाता का जो रास्ता, वो रास्ते को पूरा ब्लॉक कर
कर सकते हैं, ब्लॉक कर दिया है बोल सकते हैं, क्योंकि मैं एक बार दिखाऊंगा, ठीक मेरा पीछे का ये जो रास्ता, ये रास्ता पूरा सेंट्रल कोलकाता में एक साइड रोड है, पूरा रास्ते को एक बार मेरा कैमरा पर्सन को बोलूंगा पूरा घुमा के दिखाने के लिए कि किस तरीके से एक प्रदर्शन, एक नारा जस्टिस फॉर अर्जी कौर, ये कारण से किस तरीके से रास्ते में लोग आए हैं, किस तरीके से स्टूडेंट्स रास्ते में आए हैं, किस कतार में स्टूडेंट रास्ते में आए हैं, आप देख ही सकते हैं स्टूडेंट की तरफ से पूरा रास्ते को ब्लॉक करके वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस इधर मौजूद है और पुलिस के सामने वो लोग प्रदर्शन दिखा रहे हैं, और उन लोगों का एक ही डिमांड है कि जस्टिस चाहिए, जस्टिस का मांग करते हुए उन लोगों की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो आप लोगों का डिमांड क्या क्या है? जस्टिस का मांग करते हुए उन लोगों की तरफ से ये प्रदर्शन हो रहा है। आप देख ही सकते हैं कि अभी भी ये लगातार जो प्रोटेस्ट, एक से बढ़कर एक कॉलेज इधर से प्रोटेस्ट दिखा रहा है, एक से बढ़कर एक जो स्टूडेंट्स है उनके तरफ से ये प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। रैलियां, हर एक कॉलेज का जो रैली एक साथ रास्ते में आए हैं, और जो स्टूडेंट्स है उनके तरफ से लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लगातार हर एक कॉलेज का, हर एक स्टूडेंट का, हर एक लोग का एक ही मांग है, जस्टिस फॉर अर्जी कौर। आप देख ही सकते हैं जो पूरा बैनर, ये बैनर में लिखा हुआ है वी वांट जस्टिस, जस्टिस फॉर अर्जी कौर, ये सब स्लोगन इनके तरफ से दिया जा रहा है, उनके तरफ से मांग किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जस्टिस मिले। क्या क्या डिमांड है आप लोगों का? वी वांट जस्टिस, विचार चाहिए हमारे तीनों का। आप एकदम सुन ही सकते हैं कि हर एक स्टूडेंट की तरफ से एक ही बात कहा जा रहा है कि हम लोगों को जस्टिस चाहिए। यानी आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का ये जो इंसिडेंट, इसको लेकर लगातार जो प्रदर्शन, वो कोलकाता का जो रास्ता, कोलकाता के रास्ते में दिखने को मिल रहा है, और लगातार जो स्टूडेंट्स उनके तरफ से एक ही डिमांड किया जा रहा है कि जो लड़की के साथ हुआ है, 31 ईयर का जो इंटर्न डॉक्टर, उनके साथ आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके का हादसा घटा है, उसके बाद जो स्टूडेंट्स है उन लोगों का भी डिमांड है कि जस्टिस चाहिए, सही तरीके से जस्टिस होना चाहिए, और जो विक्टिम है, विक्टिम को जस्टिस दिलाने के लिए आज रास्ते में एक तरफ स्टूडेंट्स है, एक तरफ बुजुर्ग लोग है, एक तरफ प्रोफेशनल लोग है। आप देख ही सकते हैं कि सिर्फ स्टूडेंट का बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि रास्ते में जो प्रोफेशनल लोग वो भी शामिल हुए हैं। तो आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं आप? कॉलेज स्क्वायर। कॉलेज स्क्वायर। तो आप लोगों का डिमांड क्या है? जस्टिस फॉर आरजी कौर। So we need justice. We are all engineers. Need justice for Tilottama. Justice for Archie Kaur. एकदम justice का मांग करते हुए किस तरीके से लगातार protest जारी है। मैं आपको एकदम live दिखा रहा हूँ ये तस्वीर की, किस तरीके से लोग, किस कतार में लोग आ रहे हैं। आप ये तस्वीर से ही समझ सकते हैं कि कोलकाता में ये जो protest, भारी मात्रा में जो प्रोटेस्ट वो बढ़ चुका है, और जो प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट स्टूडेंट की तरफ से, इंजीनियरिंग स्टूडेंट की तरफ से, इंजीनियरिंग का जो प्रोफेशन उनके तरफ से लगातार दिखाई दे रहा है। और ये जो रैलियाँ, जो स्टूडेंट्स है, जो ऑफिस में काम करते हैं, सब लोग इसमें जुटे हुए हैं, और उन लोगों की तरफ से एक ही मांग किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो गुनहगार है उनको पकड़ा जाए, जल्द से जल्द जो दोषी है उनको सज़ा मिले, और कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। इस मांग को लेकर ही कोलकाता में ये जो रैली, ये रैली कंटिन्यू हो रहा है। आप देख ही सकते हैं पूरा, एकदम बोल सकते हैं कि पूरा प्रोसेशन, क्योंकि किस तरीके से लोग आ रहे हैं इधर, किस तरीके से जो कॉलेज स्टूडेंट है, जो प्रोफेशनल्स है, उनके तरफ से ये रैली किया जा रहा है कोलकाता में। और इससे ही मालूम पड़ता है कि किस तरीके से आरजी कौर का इम्पैक्ट कोलकाता में अभी भी जारी है। कोलकाता में लगातार जो प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।